हेलो एवरीवन, ये है आपकी कलरफुल सी वर्कशीट आज के लिए, जो कि इतनी सुंदर बनाई गई है कि देखने में बहुत अच्छी लग रही है। और मैंने भी इसको एक बॉर्डर देने की कोशिश की है कि शायद आपको अच्छा लगे। तो चलो इसको पास से देख लेते हैं। आपको करके दिखाना पड़ेगा। ये है आपकी वर्कशीट नंबर 56, जो कि है 21 नवंबर के लिए 2020, और क्लास आपकी है 10th क्लास, जो कि आपको पता ही है। तो अगर हम इसको बड़े पास से देखें तो यहाँ पर हमें एक डेट लिखी हुई दी गई है, ये देखिए, और यहाँ लिखा है डियरेस्ट किटी। ये एक फॉर्मेट है, किस चीज़ का फॉर्मेट है? मैं ये सोच रही हूँ, क्या ये लेटर का फॉर्मेट है या ये आर्टिकल का या किसी जर्नल का फॉर्मेट है या ये डायरी एंट्री है? तो मुझे लगता है कि ये एक डायरी एंट्री है जो कि किसी बच्चे ने लिखी है। बच्चे क्या, हमें पता है आपके चैप्टर में से है, तो एने ने लिखी है। पढ़ते हैं इसको, क्या कह रही है ये? ये कह रही है आर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन बूट्स, क्वेकिंग इन बूट्स। नर्वस है पूरी क्लास, घबराई हुई है, फ्राइटेंड है। द रीज़न ऑफ कोर्स इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड, क्या डिसाइड करेंगे टीचर्स, हु विल मूव टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक, कौन सा बच्चा पास हो जाएगा और कौन सा रुक जाएगा। अभी जो एनी फ्रैंक है ये बता रही है हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेट्स, आधी क्लास जो है वो बेट्स लगा रही है। जी एन एंड आई, जी एन किसी बच्चे का नाम होगा, और ये जो राइटर है, मेकिंग बेट्स आर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज़ बिहाइंड अस, हम लोग भी बेट्स लगा रहे हैं, हम लोग हंस रहे हैं दो बच्चों के पीछे जो कि हमारे पीछे हैं। उनका नाम है सी एन एंड जेक्स, जेक जा क्यों नहीं रहा, हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेट, उन्होंने अपनी पूरी सेविंग्स बेट के ऊपर खर्च कर दी हैं। और वो बेट क्या है, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट ये लोग क्या कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू पास, तुम पास हो जाओगे, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट, यही चल रहा है क्लास में, बच्चे सिर्फ बेट लगा रहे हैं। इवन जीज प्लीडिंग ग्लैंसेज एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन, हम लोग उनको देख रहे हैं, गुस्से से भी देख रहे हैं, लेकिन कांट काम डाउन, उनको शांत नहीं कर पा रहे। दे कीप ऑन मेकिंग बेट्स। इफ़ यू आस्क मी, अभी अपने बारे में बताती है कि अगर मुझसे पूछा जाए, यानी कि एने फ्रैंक से पूछा जाए, देर आर सो मैनी डमीज़, हमारी क्लास में बहुत सारे डमीज़ हैं, वो बच्चे जो कि कुछ नहीं करते, दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, उसके हिसाब से चौथाई क्लास को, क्वार्टर यानी 1/4 क्लास शुड बी केप्ट बैक, उसको रोक लेना चाहिए, यानी कि अगली क्लास में नहीं चढ़ाना चाहिए। बट टीचर्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है, बट टीचर्स कैसे करूं, बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ, इसको मैं हटाऊंगी नहीं क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम फिर से पूरी वर्कशीट देखते हैं, तो हमारे पास पैराग्राफ है, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो लेट्स सी द क्वेश्चंस। नंबर वन इज विच टर्म वुड एक्सप्लेन बेस्ट द अबव रिटन रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस अभी हमें दिया गया था ये कौन सी फॉर्म है, मैंने डिस्कस भी किया था। इज़ इट एन आर्टिकल, आपको क्या लगता है कि ये एक आर्टिकल है? मैंने बता दिया था इट इज़ नॉट एन आर्टिकल, आर्टिकल की फॉर्म अलग होती है। इज़ इट अ लेटर, नो लेटर का फॉर्मेट नहीं है ये। इज़ इट अ जर्नल, नो इट इज़ नॉट अ जर्नल, देन इट इज़ अ डायरी एंट्री, एने फ्रैंक ने डायरी एंट्री लिखी थी जो कि यहाँ पर दी गई है। ये जो सेकेंड क्वेश्चन है ये बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है,
यहाँ पर कुछ इमोजीज दिए गए हैं आपको और पूछा गया है द ईडियम क्वेकिंग इन बूट्स कॉरस्पॉन्ड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजेस। इनमें से कौन सी इमेजेस हैं जो क्वेकिंग इन बूट को डिस्क्राइब करती हैं। तो चलो फटाफट से डिक्शनरी से पूछते हैं गूगल बाबा से। मीनिंग ऑफ क्वेकिंग इन बूट्स, मैंने तब भी बताया था, इसका मतलब है टू बी वेरी फ्राइटेंड, डर जाना, स्केर्ड और नर्वस हो जाना। यहाँ पर एक सेंटेंस भी दिया गया, द थॉट ऑफ क्लाइंबिंग दैट हाई हैड हिम क्वेकिंग इन हिज बूट्स। तो फ्राइटनिंग, स्केयरिंग मतलब फ्राइटेंड, स्केर्ड एंड नर्वस, तो मीनिंग पता लगाते हैं। पहले वाला जो इमोजी है वो है शॉक्ड यानी फ्राइटनिंग, सेकेंड इज स्लीपी, थर्ड इज नर्वस, देन काम, देन एंग्री। तो इनमें से आपको कौन सा लगता है ठीक होगा? मुझे लगता है नर्वस और शॉक्ड वाला ठीक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ लिखा भी है द थॉट सॉरी टू बी वेरी फ्राइटेंड, स्केयर्ड एंड नर्वस। तो चलो आगे बढ़ते हैं वर्कशीट की तरफ। चलिए इसमें हम टिक लगा लेते हैं, दिस वन इज फ्राइटनिंग करेक्ट, दिस इज रॉन्ग स्लीपी, दिस इज नर्वस राइट, रॉन्ग एंड एंग्री इज ऑल्सो रॉन्ग। अब हमारे पास आ गए वन एंड थ्री आर राइट, तो दिस इज ऑप्शन सी जो कि करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थ्री पर आ गए हैं हम। पिक द ऑप्शंस दैट करेक्टली क्लासिफाइज, यहाँ पर ध्यान से देखिए, फैक्ट्स एंड ओपिनियंस। मुझे लगता है कि मैं दूसरा कलर ले लूँ, फैक्ट्स एंड ओपिनियंस। फैक्ट्स के लिए हमें एफ लगाना है और ओपिनियंस के लिए हमें ओ लगाना है। फैक्ट्स का मतलब होता है जो चीज़ हम एज इट इज़ बता देते हैं, जो सच्चाई है, और ओपिनियन जो हमारा विचार होता है। तो इसको जूम करते हैं, द चिल्ड्रन आर वेटिंग ईगरली फॉर देयर रिजल्ट्स। सिंपली एक बात हमें बता दी गई है, तो इट मीन्स ये क्या है, फैक्ट है। नेक्स्ट वन इज आई थिंक वी ऑल टेंड टू स्पेक्यूलेट ड्यूरिंग सच सिचुएशंस। आई थिंक यहाँ पर यूज किया गया है आई थिंक, आई थिंक से हमें पता चलता है कि दिस इज ओपिनियन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एने सीम्स कॉन्फिडेंट अबाउट हर परफॉर्मेंस। एने दिखती है कॉन्फिडेंट अबाउट हर परफॉर्मेंस, इजंट शी, ओपिनियन मांगा गया है। तो इससे हमें पता चलता है कि ओपिनियन मांगा गया है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ओ। द फोर्थ वन इज सम स्टूडेंट्स हैव स्पेंट ऑल देयर हॉलीडे सेविंग ऑन बेटिंग। कोई ओपिनियन नज़र नहीं आ रहा है हमें, इसमें फैक्ट नज़र आ रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं, तो फर्स्ट और फोर्थ हमें फैक्ट मिल गए हैं और सेकंड और थर्ड ओपिनियंस हैं। तो पता लगाएं किस में है, किस में ये वाले ऑप्शन है, ए नहीं है, बी नहीं है, दिस इज सी, ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर को अगर हम पास से देख लेते हैं तो इट इज अबाउट, एडिट पे जाना पड़ता है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मेक्स द करेक्ट यूजेज ऑफ क्वार्टर। यहाँ पर मुझे आपको क्वार्टर को एनसर्कल करके दिखाना पड़ेगा। क्वार्टर, क्वार्टर का क्या मतलब होता है, एक चौथाई, और सब बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं क्वार्टर के। पहले हम ये पढ़ते हैं फिर हम अपने पैराग्राफ पढ़ेंगे। ही वॉज सेइंग विद स्टेइंग विद हिज फैमिली इन अ गवर्नमेंट क्वार्टर। देखो बच्चों चारों में ही क्वार्टर आना है, तो अगर आपको लगता है तो मैं लिख भी देती हूँ, नहीं लिखती नहीं हूँ, आपको समझ में आ रहा है। ही वॉज स्टेइंग विद हिज फैमिली इन अ गवर्नमेंट क्वार्टर, गवर्नमेंट क्वार्टर में रहता था। माइकल्स हॉर्स वन द रेस, इट हैज़ स्ट्रॉन्ग क्वार्टर। माइकल का जो हॉर्स था वो रेस जीत गया, उसके क्वार्टर स्ट्रॉन्ग थे यानी कि उसकी ब्रीड बहुत अच्छी थी। हर स्कूल बिगिंस एट क्वार्टर पास्ट एट इन द मॉर्निंग, उसका स्कूल क्वार्टर पास्ट एट यानी कि 8:15 पर शुरू होता है। देयर मदर पील्ड एंड क्वार्टर द गुआवा, मदर ने छील कर उसको क्वार्टर यानी कि 1/4 कर दिया। इसको हम देख लेते हैं दोबारा से,
तो मैंने यहाँ पर इनके मीनिंग्स जो आपको बताए हैं वो लिख दिए. ही वॉज स्टेइंग विद हिज फैमिली इन अ गवर्नमेंट हाउस क्वार्टर. उसका जो हॉर्स था उसकी ब्रीड बहुत अच्छी थी. 15 मिनट्स 8:15 पर और गुआवा को 1/4 कर दिया. अब हमें देखना है कि लेसन में यानी आपकी वर्कशीट में क्वार्टर को किस तरह से यूज़ किया गया है. देखते हैं कहाँ पर किया है. ये रहा, मुझे मिल गया. पढ़ लेते हैं इस सेंटेंस को. एनी फ्रैंक कहती है देर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक. हमारी क्लास में इतने सारे डमीज हैं यानी कि जो बच्चे काम नहीं करते हैं कि क्वार्टर ऑफ द क्लास को 1/4 ऑफ द क्लास को केप्ट बैक किया जाना चाहिए यानी कि रोक लिया जाना चाहिए. इट मीन्स जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा कौन सा वाला, डी वाला होगा. इसको मैं आपको आपकी आंसर शीट में दिखा देती हूँ. ये आ गया, हमने डी लगा दिया. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट वाज हाफ ऑफ द क्लास बेटिंग अबाउट. हाफ ऑफ द क्लास क्या सोच रही थी, किस बारे में शर्तें लगा रही थी. हाफ ऑफ द क्लास वॉज मेकिंग बेट्स किस चीज के ऊपर. हु विल मूव शायद आपको मिल गया होगा, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है. शर्त किस बात पे लगा रही थी. हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक. कौन अगली क्लास में चला जाएगा और कौन रह जाएगा, इस बात पर शर्तें लग रही थी. तो ये आंसर हमें लिखना है थोड़ा लंबा, हमें ये लिखना है 40 to 50 वर्ड्स में. तो ये हमने लिख लिया. हाफ ऑफ द क्लास वॉज बेटिंग अबाउट हु विल मूव टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक. देखो यहाँ पर हु लिखने से रह गया है, मैं आपको बता देती हूँ कहाँ पर. यहाँ पर हाफ ऑफ द क्लास वॉज बेटिंग अबाउट हु विल मूव टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक, ये वाला हु यहाँ पर लिखने से रह गया है, आप लोग लिख लीजिए. स्टूडेंट्स ऑलवेज थिंक दैट इट इज द टीचर्स हु डिसाइड अबाउट द प्रमोशन ऑफ द स्टूडेंट, सो दे ऑल वर मेकिंग बेट्स. ठीक है, इतना क्लियर है. तो चलिए वापस आ जाते हैं वर्कशीट पर. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाई डू यू थिंक सी एन एंड जेक वर बेटिंग एंड व्हाट वॉज द रिएक्शन ऑफ जी एन एंड द राइटर. हमें 40 to 50 वर्ड्स में लिखना है. क्वेश्चन नंबर 6, आई डोंट नो आपको दिख रहा है यहाँ वर्कशीट में या नहीं, मैं मार्क कर देती हूँ दिस वन. ठीक है, आपको दिखा देती हूँ. Why do you think CN and Jakes were betting and what was the reaction of GN and the writer? 40 to 50 words. जल्दी से पढ़ेंगे. चलो जी शुरू करते हैं आंसर. CN and Jake were betting on whether they were going to pass or not. Whether they were going to pass or not. क्या वो पास होंगे या नहीं होंगे, इस चीज के ऊपर उनकी जो बेट है वो चल रही है. They were continuously arguing on that. GN and the writer laughed over their silly bets. वो दोनों हंस रहे हैं. GN was bleeding glances, देख रहा है उनको. And the writer had angry outbursts, गुस्से से गुस्सा आ रहा है उसको. But CN and Jakes could not be stopped from making bets. लेकिन वो लगातार bets किए जा रहे हैं. वर्कशीट बहुत लंबी होती जा रही है. If you ask me, मैं लास्ट क्वेश्चन पढ़ रही हूँ. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. ये एनी फ्रैंक ने कहा और उसने कहा but teachers are the most unpredictable creatures on earth. आप दोबारा से देखिए, ये वाला मैं पढ़ रही हूँ. What do you think Anne wants to express? क्या चीज एक्सप्रेस करना चाहती है वो इस स्टेटमेंट से कि teachers are the most unpredictable creatures on earth. मैंने आपके लिए ये फाइल बनाई है जिसमें ये आंसर लिखा है. तो पढ़ना शुरू करते हैं. एने वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल. शी फेल्ट दैट क्वार्टर ऑफ हर क्लास वॉज डम्प. उसकी क्लास डम्प थी एंड शुड बी केप्ट बैक एंड नॉट प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास. उसे ऐसा लगता था. बट इन हर हार्ट शी न्यू दैट मोस्ट ऑफ देम विल बी प्रमोटेड. कि उसको पता था कि ज़्यादातर को प्रमोट कर दिया जाएगा. इसलिए वो ये कहती है कि टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ. अभी जो एने फ्रैंक है एक्सप्लेन करती है
अनप्रडिक्टेबिलिटी ऑफ टीचर्स थ्रू एन इंसिडेंट ऑफ मिस्टर कीजिंग। मिस्टर कीजिंग आपको याद होगा, मैथ्स के टीचर थे और असाइनमेंट आफ्टर असाइनमेंट देते जा रहे थे। एने वॉज असाइंड एन एक्स्ट्रा असाइनमेंट फॉर टेकिंग टॉकिंग इन द क्लास बाई मिस्टर कीजिंग, टू विच शी आंसर्ड वेल बाई गिविंग कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। बट वेन शी कॉन्टिन्यूड, फिर भी जब वो बातें करती रही, इन द कमिंग सेशंस शी वॉज गिवन एनदर असाइनमेंट। She tried to curb her habit of talking, but during the third session, he had finally given her third assignment as a punishment. तीसरा assignment भी दिया उसको। अब उसने क्या किया? She, with the help of a friend, wrote a poem about a father's van and his ducklings. ये तो पता ही होगा। This time she was able to convince Mr. Keesing, and he too started enjoying and making jokes in the class. That is why she mentioned that teachers were the most unpredictable creatures on earth. अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लास्ट पोर्शन का भी स्क्रीनशॉट ले लो, सो दैट यू कैन राइट योर आंसर्स। वैसे बेटा कोशिश करो कि आप अपने आंसर्स खुद से लिखें। चलते चलते ये बात बतानी बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, कोविड का टाइम है, प्लीज़ वेयर अ मास्क, Wash hands with soap, practice social distancing. Now it's time to say goodbye. So goodbye, goodbye everyone. फिर से मिलेंगे एक और वर्कशीट लेकर। तब तक के लिए stay home, stay safe.